ड्रग्स विभाग की बड़ी छापेमारी, नकली दवाइयों की फैक्ट्री पकड़ी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में आज उस समय हड़कंप मच गया जब ड्रग विभाग की टीम ने एक घर पर छापेमारी की। लगातार विभाग के अधिकारियों को जानकारी मिल रही थी यहां से यौन वर्धन दवाओं का निर्माण अवैध रूप से किया जा रहा है और जिसकी पैकिंग करके मार्केट में अवैध रूप से सप्लाई किया जा रहा है। मुरादाबाद जनपद के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के हरथला कॉलोनी में आज ड्रग विभाग की टीम ने छापेमारी अभियान चलाया। जहां तक विभाग के अधिकारियों को जानकारी मिली थी, एक मकान में एवं अवैध रूप से दवाओं का निर्माण किया जा रहा था। साथ ही साथ कई नामी कंपनियों की दवाएं भी छापेमारी में बरामद की गई। मकान में संचालित दवा फैक्ट्री में दवाई बनाने की मशीन भी मिली है जिनसे नकली दवाइयां बनाई जा रही थी। ड्रग विभाग के अधिकारी के मुताबिक 2 साल पहले इस युवक को नशीली दवाई बनाए जाने के आरोप में जेल भेजा गया था। अब फिर इसने नकली दवाओं का कारोबार दोबारा शुरू किया है जिसकी जानकारी मिलने पर यहां पर छापेमारी की गई है। छापेमारी के दौरान यहां पर दवाइयों को पैक करने वाले उपकरण भी बरामद हुए हैं और लाखों रुपए की कीमत की दवाई भी बरामद की गई है। एक मकान में संचालित दवा फैक्ट्री में लाखों रुपए की दवा बनाने की मशीनें भी छापेमारी के दौरान मिली हैं जिनसे नकली दवा बनाई जानी थी। ड्रग विभाग के मुताबिक 2 साल पहले जेल भेजे गए एक नकली दवा बनाने वाले आरोपी ने यह फैक्ट्री शुरू की थी। ड्रग विभाग की कार्यवाही के बाद से आरोपी फरार हो गया है। छापेमारी के दौरान बड़ी संख्या में पैकिंग का सामान, दवाइयां, उपकरण जब्त किए गए हैं जबकि फैक्ट्री को सीज करने की कार्यवाही जारी है। मेरा नाम फहीमुद्दीन है। हमारी फ्रैंक फार्मुलेशन आयुर्वेदिक फार्मेसी के नाम से भोजपुर में एक इंडस्ट्री है छोटी सी, जहाँ पर हम बहुत सारी दवाइयाँ बनाते हैं आयुर्वेदिक शास्त्रोक्त, बहुत सारी दवाइयाँ जिसमें एक हमारा प्रोडक्ट है फ्रैंक क्रीम। काफ़ी टाइम से हमें सूचना मिल रही थी कि हमारे नाम से कोई एलोपैथिक अपमिश्रण करने के बाद में हमारे नाम से एक दवाई बना रहा है फ्रैंक फार्मुलेशन। मार्केट से लगातार कंप्लेंट्स आ रही थी, अवेलेबल था मार्केट में, हम लोगों ने अपना पता किया कहाँ से पैकिंग मटेरियल आ रहा है, तो मालूम पड़ा कि मोहम्मद आसिफ टाइनेक्स फार्मा हरतला इसने और टाइनेक्स नुमरी न्यूट्रिशन इन्होंने हमारे नाम से ट्यूब बनवाए हमारे नाम से और पैकिंग मटेरियल बनवाया हिमाचल से। तो हमने डीआई साहब से मुलाकात की और डीआई साहब ने फिर यहाँ पर रेड की और हमारे नाम से जो मटेरियल बन रहा था वो यहाँ पर हमें बरामद हुआ है फ्रैंक क्रीम। मैं एज ए ड्रग इंस्पेक्टर पोस्टेड हूँ मुरादाबाद में। मुझे सूचना मिली थी कि कोई व्यक्ति टाइनेक्स के नाम से कंपनी चला रहा है जो नकली लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड से एडल्टेटेड ऑइंटमेंट्स वगैरह को बना रहा है जो कि काफ़ी हेजार्डियस हैं हेल्थ के लिए, ह्यूमन बींग के लिए। तो उसी के आधार पर हमने आज यहाँ छापा मारा है और यहाँ पर रंगे हाथों इसको ऑइंटमेंट को बनते हुए पकड़ा है। इसके यहाँ से लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड से निर्मित ऑइंटमेंट बरामद हुए हैं, दूसरी कंपनी इसके पैकिंग मटेरियल बरामद हुआ है, 3 मोहरें बरामद हुई हैं और ये ऑइंटमेंट मशीन है और फिलिंग मशीन ये बरामद हुई है और नीचे 2 ब्लिस्टर पैक मशीन बरामद हुई है, 1 स्ट्रिप पैकिंग मशीन बरामद हुई है। और जिस तरह की इसने तैयारी की है कि इसको इतनी बड़ी बिल्डिंग बना के और इसको कम बिल्कुल क्लोज करने के बाद इसमें इनका बहुत बड़ा हो सकता है कि कोई और प्लानिंग रही हो कि भाई आने वाले टाइम में जब ये क्लोज हो जाएगी बिल्डिंग तो इसमें हम नकली दवा बना सकें, चूँकि पूरा सेटअप तैयार है नीचे। अभी इसी व्यक्ति के विरुद्ध हमने जो है 2018 में मुकदमा कायम कराया था थाना भोजपुर में। ये जेल से जमानत पर छुटने के बाद इसने फिर दोबारा ये काम शुरू किया है ना। जो इस कंपनी असली मालिक है, जो प्रोडक्ट बनाते हैं, वो भी यहाँ पे आए? वो यहाँ पे आए थे, ये उनसे हमने लेटर ले लिया है, उन्होंने अपने लेटर हेड पर सब दिया है फ्रैंक फार्मुलेशन के मालिक ने। और सबसे बड़ी इसके अंदर बात किया है कि इन्होंने जो है ये फ्रैंक 4 ml और 5 ml के जो आर्ट वर्क जो इन्होंने ये डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से जो इन्होंने बनवाए थे ये पैकिंग मटेरियल, तो इसकी भी हमारे पास ये कॉपी है ईवे बिल के साथ और जहाँ से इन्होंने पैकिंग मटेरियल छपवाया है उसका भी सारा रिकॉर्ड यहाँ पर जो है उपलब्ध है ना। और जो ये आपने छापा मारा है, इससे पहले भी इस पर कार्रवाई की? इस पर थाना भोजपुर में कार्रवाई हुई थी। ये आपका जो है ये भोजपुर के अंदर इसमें 2018 में ये 6 महीने 7 महीने जेल रह कर आया था, जेल से जमानत पर आने के बाद इसने फिर ये काम शुरू कर दिया है। इसका नाम जो हमने जेल भेजा था इसका नाम क्या था? आशिफ मोहम्मद आशिफ। अग्रिम कार्रवाई यहाँ पर मोहम्मद आशिफ के साथ जो बनाते हुए पकड़ा है वो उसका छोटा भाई है, अभी इसका नाम पता भी मालूम नहीं किया है क्योंकि तत्काल रेड हुई है और आशिफ यहाँ से फरार है। अभी यहाँ से दवाइयाँ बरामद नहीं हुई हैं लेकिन जो ऑइंटमेंट्स बरामद हुई हैं वो किसी और कंपनीज के हैं, उनके एड्रेस किसी और के हैं।
ये एक्चुअली क्या है कि इसको इजेकुलेशन को प्रोलोंग करने के लिए ये क्लेम करते हैं आयुर्वेदिक के नाम पर, लेकिन इसके अंदर लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड अभी यहाँ पर रॉ मेटल बरामद हुआ है जो संभवतः लीडोकेन है या लिग्नोकेन है, अभी वो टेस्टिंग के बाद ही पता चल पाएगा कि दोनों में से क्या है।